नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैथ में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न कह रहे हैं, एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है, मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है, उसके लाभ का प्रतिशत है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यह चीज पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व किया जाता है समझिएगा। पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है ना, एक बेईमान डीलर है और कह क्या रहा है दोस्तों, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि जितने रुपए में खरीद रहा है उतने रुपए में बेच रहा है, लेकिन कर क्या रहा है दोस्तों, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का नकली वजन का इस्तेमाल करता है, यानी जो उसका बटखरा है, जो तौलने वाला है दोस्तों, वो 1 किलोग्राम नहीं है, वो कितने ग्राम का है, 900 ग्राम का है, और कर क्या रहा है दोस्तों, 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम दे रहा है, तो यहीं पे वो क्या कर ले रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो देखो ये इसको इस टाइप का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 किलोग्राम में दोस्तों कितने ग्राम होते हैं, आप बोलेंगे 1000 ग्राम होता है, और ये दे क्या रहा है दोस्तों, ये दे रहा है 900 ग्राम, तो इसे लाभ कितने ग्राम का हो रहा है दोस्तों, कितने ग्राम का लाभ हो रहा है, 900 ग्राम दे रहा है और 1000 ग्राम का बटखरा होता है, लाभ इसे हो रहा है 100 ग्राम का। ठीक है, 1 किलोग्राम पे कितना लाभ ले रहा है, 100 ग्राम का। ठीक है, तो इसका लाभ प्रतिशत कैसे होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो ये दे कितना रहा है 900 ग्राम और ले कितना रहा है 900 ग्राम पे, 100 ग्राम का लाभ ले रहा है और बता कितना रहा है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे क्लियर हो गया कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए इसका लाभ कितना हुआ दोस्तों, 100 ग्राम का, कितने ग्राम दिया है दोस्तों सामान, 900 ग्राम, तो 100 बटा 900, अब प्रतिशत पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो गुणे क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 कर लेंगे। ठीक है, 100 का ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या दोस्तों, 100 बटा 9, 100 बटा 9 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 11 सही 1/9% होता है, क्या होता है, 11 सही 1/9% का उसे लाभ हो रहा है, तो 11 सही 1/9% देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पे कभी कभी 800 ग्राम दिया जाता है, कभी 750 ग्राम दिया जाता है, तो प्रश्न को दोस्तों ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और कभी कभी 900 ग्राम दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कुछ भी रहे, ठीक है, और सॉल्व करने का मेथड आपका यही होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आप कंफ्यूज ज्यादातर स्टूडेंट हो जाते हैं, 100/9 को 11 सही 1/9% कैसे लिखे, ये भी चीज क्लियर कर देता हूं, क्या आया है दोस्तों, 100/9% आया है ना, 100/9, इसको दोस्तों 11 सही 1/9% कैसे लिखे, देखिए 100 को क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा जो थोड़े से स्टूडेंट वीक होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, उन्हें भी मैं फोकस करता हूं, समझिएगा, 100 को क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे, तो 9 एकम क्या होगा, 9, 10 में से 9 जा 1 और इधर 0 बचा इसको उतार लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 9 एकम 9, 10 में से दोस्तों 9 जाएगा क्या होगा, 1, ये जो 11 बार में गया ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, सही में लिखते हैं, नीचे जो शेष बचा है ना, हम उसको अंश के रूप में लिखेंगे, फिर बटे कर लेंगे और जिससे भाग दिए ना उसको हर में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9% हो जाएगा। ठीक है, 100/9 को इस तरह से लिखा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, बिना एक्स वाई माने, बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, तो मेथड समझिएगा। पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह रहा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये चीज पूछ रहा है, पिता की क्या पूछ रहा है,
वर्तमान आयु। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेगा, तो कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको एक सौ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की चार गुनी है, कितनी गुनी है, चार गुनी है, और कह रहा है आगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी। 10 वर्ष पूर्व क्या थी दोस्तों, पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी, और पूछ कह रहा है दोस्तों पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों तो बिना एक्स वाई माने सॉल्व किया जाता है, मेथड का नाम है गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकंड में आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा, मान लेंगे दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, पिता की वर्तमान आयु 80 वर्ष है, ठीक है, तो पुत्र की आयु क्या होगी दोस्तों, यहां पे कह रहा है ना एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की चार गुनी थी, चार गुनी है, क्या कह रहे हैं, चार गुनी है कह रहे हैं, ठीक है, तो पुत्र की आयु क्या होगी, 4 से 80 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी पुत्र की आयु 20 है तो पिता की आयु चार गुनी है, यानी कि 20 को 80 वर्ष है। यह चीज क्लियर हो गया। फिर देखिए आगे वाले स्टेप कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुने के बराबर थी, कितने वर्ष पूर्व कह रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में पिता की आयु दोस्तों 80 वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या रही होगी, 70, ठीक है, पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले क्या रही होगी दोस्तों, 10। ये चीज क्लियर है, यहां पे क्लियर हो गया होगा, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी, क्या दोस्तों 10 का 7 गुना है 70, 10 का 7 गुना 70 होता है कि नहीं, हाँ होता है, तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु दोस्तों 80 वर्ष है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। पहला ऑप्शन अगर जो नहीं आता तो दूसरा चेक करते, तीसरा चेक करते, चौथा चेक करते, ठीक है, तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, पहले दूसरे पे ही आंसर आ जाता है, ठीक है, अगर जो नहीं होता है तो 2-4 सेकंड अधिक लग सकता है, ज्यादा नहीं लगेगा प्रश्न, ठीक है, और बिना पेन उठाए दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे बिना एक्स वाई माने। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों एक चीज और बता दूं, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ही जाए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि डेली आपको सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं, दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर, इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा तो इसी बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप लेंगे कहां से, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस लिंक पर दोस्तों क्लिक करके आप इस ई बुक को एक बार लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इस ई बुक में आपको और सारे प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, और अगर जो आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होती है, ई बुक से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो ये पंजाब पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ऐसे भी प्रश्न पूछे जाए तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है मात्र 2 से 3 सेकंड में। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न समझिएगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा है यदि a is to b is equal to 3/2:7/3 और b is to c is equal to 1/5:1/7 है तो a is to b is to c ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है a is to b is to c या a is to b is to c is to d is to e ऐसे तक दे दे, लंबा लंबा क्वेश्चन दे दे, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बिना पेन उठाए, मैं आपको बता रहा हूं, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है समझिएगा, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है ना a अनुपात b, हिंदी में समझिएगा, कह रहा है a अनुपात b बराबर क्या दिया है 3/2:7/3। इसको हम दोस्तों कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको तीरिय गुणा कर लेंगे, ठीक है, 3 का 3 में 2 का 7 में, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और 2 × 7 करेंगे तो क्या होगा 2 × 7 = 14, तो a is to b क्या हुआ दोस्तों 9:14, यानी 9:14 हो गया, ठीक है। चलिए b is to c बराबर क्या दिया दोस्तों b is to
क्या है दोस्तों, ये बी इज टू सी है। बी इज टू सी बराबर क्या दिया है, 1/5 = 1/7। तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 7 × 7 = 5 = 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 यानी 7:5। ये चीज क्लियर हो गया। ए इज टू बी बराबर क्या हुआ, ए अनुपात बी बराबर 9:14 और बी अनुपात सी बराबर 7:5। ये चीज क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन। पूछ कर रहा है ए इज टू बी इज टू सी का मान पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन में अब हम देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए इज टू बी बराबर क्या दिया है दोस्तों, हमें क्या चाहिए, 9:14 यानी कि 9:14 चाहिए, लेकिन यहां पर दे कह रहा है दोस्तों 4:5। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। चलिए फिर क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है, a is to b यानी कि ये a है, ये b है और ये c है। तो a is to b क्या दिया है दोस्तों, देखिएगा a is to b 9:14 दिया है। देखिए 9:14 यहां पे है और 9:14 यहां पे भी है। तो a is to b की जगह 9:14 है और b is to c की जगह क्या है दोस्तों, यहां पे नीचे 7:5 लेना है। और यहां पे क्या दिया है दोस्तों, 14:10 दिया है। क्लियर है, देखिएगा यहां पे जो क्या दिया है, 14:10 दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 7:5 दिया है। तो दोस्तों 2 से इसको कटाएंगे, छोटा करेंगे, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, 7:5 हो रहा है इसे कटाने पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है ये प्रश्न। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए बस लिखा हूं इतना, आपको कुछ नहीं करना है। पेपर में आएगा, क्या करेंगे, ऐसे तिर्यक गुणा कर लेंगे, 3 × 9 = 2 × 7 = 14। 9 और 14 का अनुपात ए इज टू बी में कहां दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9 और 14 का। ठीक है, फिर देखेंगे बी इज टू सी यानी कि क्या हो जाएगा, 7:5। तो देखेंगे क्या ये 7:5 है, तो 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 7:5 का भी ये रेशियो हो रहा है। तो ए इज टू बी का पूछ रहा है, ए इज टू बी इज टू सी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला रेशियो हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसे क्या करेंगे, बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन है तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चीज और बता दूं दोस्तों, डेली मैं आपको दोस्तों 8 PM पे वीडियो देता हूं, शाम 8 बजे। ठीक है, तो ये टाइम आप नोट कर लीजिएगा, डेली देखा करिए, डेली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराता हूं। आप जब गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी देंगे दोस्तों, जब पेपर हॉल में बैठेंगे, जब पेपर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि मैं दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूं जो हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़े रहिए और डेली दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए दोस्तों आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, बिना एक्स वाई माने बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। कैसे, तो प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है, संख्याओं के वर्ग का योगफल है। ये चीज पूछ रहे आपको, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 45 आ रहा है और घटाने पे यानी अंतर करने पे क्या रहा है, 4 आ रहा है। अब पूछ रहा है उन्हीं संख्याओं के वर्ग का यानी स्क्वायर कर दे और जोड़ दे तो क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसके लिए एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए भी ये प्रश्न सॉल्व होता है। क्या किया जाता है, ये जो कह रहा है ना 2 संख्याओं का गुणनफल 45 है, इसी 45 का दोस्तों हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे किया जाता है ये भी बता देता हूं। देखिए ये कितने कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, 15 बार में, 15 × 3 = 45 होता है। फिर 3 से कितने बार में कटेगा, 3 × 5 = 15 होता है। फिर कितने से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 1 यानी नीचे 1 आ गया, गुणनखंड क्लियर। यानी इसका गुणनखंड क्या हुआ है दोस्तों, 3 × 3 × 5, ये चीज है ना। यानी अब इसको क्या करना है, कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 45 है, इसको 2 संख्याओं में कन्वर्ट करना है। ये 3 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं कैसे हो सकती हैं, एक 3 × 3 हो सकता है या एक 3 × 5 हो सकता है। 3 × 3 कहने का मतलब है एक 9 और 5 हो सकता है, 9 × 5 ये चीज हो सकता है, 9 × 5 = 45। और एक क्या हो सकता है दोस्तों, 3 × 15 = 45। ये 2 संख्याएं हो सकती है जिनका गुणनफल क्या होगा दोस्तों, 45 होगा। इसे दोस्तों आप ओरल मान सकते हैं,
9, 5 या 15, 3 ऐसे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ओरल भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं बड़ी संख्या कोई दे दे तो गुणनखंड कर लेंगे, कुछ ही सेकंड लगेगा, ठीक है। तो ये दो संख्याएं होंगी, कौन कौन होगा दोस्तों, देखिए कौन कौन होगा, गुणनखंड करने पे क्या आया है, 9 और 5 आया है और 3 और 15 आया है। ये दो ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों जिनका गुणनफल क्या होगा, 45 होगा, ये चीज क्लियर है। चलिए अब देखेंगे दोस्तों ये क्या कह रहे हैं, उनका अंतर 4 है, तो देखिए 3 और 15 का अंतर क्या होगा, 3 और 15 का दोस्तों अंतर डिफरेंस, यानी 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 12 होगा, और इसमें दोस्तों 9 में से 5 घटाएंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। किसका अंतर 4 आया दोस्तों, 5 और 9 का, ठीक है, 5 और 9 यानी कि 9 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनका दोस्तों गुणनफल क्या आ रहा है, 45, और अंतर क्या आ रहा है, 4। तो दोनों संख्याएं कौन होगी दोस्तों, 9 और 5 होगा। ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं, 9 और 5 वह संख्याएं होंगी जिनका गुणनफल 45 है और अंतर 4 है, और पूछ रहे संख्याओं के वर्ग का योगफल, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 × 9 81 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 81 × 25 जोड़िए, 5 × 1 क्या हो जाएगा, 6 × 8 = 10, यानी कि जोड़ने पर इसका स्क्वायर करके योग करने पर क्या आ रहा है, संख्याओं का वर्ग का योगफल क्या रहा है, 106। अब देखिए दोस्तों 106 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे 106 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर जो मैथ में आपको किसी अन्य चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम भी दोस्तों नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। अगर दोस्तों आपको मैथ में आप वीक हैं, मैथ बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हुआ जिसका लिंक दोस्तों नीचे बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों, आप उस चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के जब सारी चैप्टर वहां समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आया है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना हुआ यहां पर प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना हुआ यहां पर प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो इस टाइप से दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।